है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप भी कुछ इस प्रकार बादरी डेटा स्केट करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना। तो गाइस, कुछ इस प्रकार एडिटिंग करने के लिए अलाइन मोशन ऐप की जरूरत है, तो आपके पास अलाइन मोशन ऐप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर अलाइन मोशन को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से अलाइन मोशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने ओपन करके रखा है ऑलरेडी। तो फिर आपको यहाँ से दो प्रोजेक्ट को इनपुट करना है, ये बादरी सॉन्ग बीटमार्क और ये शेक इफेक्ट। इस दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके आप अलाइन मोशन पे इनपुट करना है। XML लिंक है तो आपको डाउनलोड करना ज़रूर आता होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आप लोग वो सॉन्ग बीटमार्क पे टैप कर देना। तो सॉन्ग बीटमार्क पे टैप करने बाद आपके सामने कुछ इस पास से लिरिक्स दिखाई देगा, तो इसका भी ये जो फॉन्ट है मतलब इसका जो इमेज है इसको आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तब वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ से मैंने डेट डाल के रखा है, तो अभी यहाँ से आपको डेट को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है, मतलब एडिट टेक्स्ट से। यहाँ पर आपको 10/10 दिखाई देगा 23, तो आपको मान लें आपको यहाँ पर 10 तारीख नहीं है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर 12 कर देना है, मतलब आपका फ्रेंड का बर्थडे जो 12 है तो 12 करना है। कुछ इस वजह से आपको चेंज भी कर सकते हैं, मतलब आपको डेट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के कुछ इस वजह से मैंने करके रखा है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बीट दिखाई देगा, तो आगे बीट के हिसाब से आपको क्या फोटो को ऐड करना है। ठीक है, तो आपको जितने सारे यहाँ पर बीट है सारी बीट में आपको एक एक करके फोटो को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं क्या करना है, आपको प्लस पर क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा और यहाँ से अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर पे आपका फोटो है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मतलब मैंने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोटो चूज करना है, ऊपर थ्री डॉट पे जाकर फिल कंपोजन एरिया करना होगा। ई जो आइकन देख रहा है इस पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना होगा, फिर इस आइकन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना होगा। फिर से प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, एक अलग फोटो चूज करना है, थ्री डॉट पर जाकर फिल कंपोजन एरिया करना होगा, इस आइकन पर क्लिक करके सॉन्ग के नेक्स्ट बीट पर जाना होगा, फिर इस आइकन पर क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना होगा। तो गाइस, आई होप आपको सभी समझ में आ रहा है। गाइस, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जितने सारे बीट है सारे बीट में आपको एक एक करके ऐसे फोटो ऐड कर लेना होगा। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने फोटो को ऐड कर लिया बीट के हिसाब से। फिर आपको यहाँ से इफेक्ट ऐड करना है, कौन सी फोटो में कौन सी इफेक्ट ऐड करना है वो मैं सभी बताऊंगा, तो आपको सिर्फ यहाँ से वीडियो को बिना स्किप के इन तक देखना है। ठीक है, तो पहले आपको यहाँ से बैक जाना है, यहाँ से बर्थडे शेक इफेक्ट पर चले जाना है, तो यहाँ से शेक इफेक्ट पर जाना है, ये जो इफेक्ट है इसको आपको कॉपी करना है। तो फोटो पर टाइप करना है, इफेक्ट पर ना थ्रीट पर जाकर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो इस इफेक्ट को आपको यहाँ पर बीटमार्क पे आ जाना है, तो यहाँ से कौन सी फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है, फर्स्ट जो इफेक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट जो फोटो है सिर्फ इस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, सिर्फ इस फोटो में आपको एक ही इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, मतलब फिर आपको यहाँ से सेकंड इफेक्ट पे जाना होगा और यहाँ से सेकंड इफेक्ट को ऐसे कॉपी करना होगा। तो सेकंड इफेक्ट को यहाँ से कॉपी करने के बाद कुछ इस बार से फिर आपको यहाँ से बीटमार्क पे जाना होगा, तो ये फोटो आपको मतलब ये इफेक्ट आपको कौन सी फोटो में ऐड करना है, तो पहले आपको यहाँ से आ जाना है, ये जो फर्स्ट फोटो है इसको छोड़ के आपको सिर्फ इस छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। तो फोटो पर टाइप करना है, इफेक्ट पे आना थी रोड पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर आपको नेक्स्ट फोटो पर टाइप करना, इफेक्ट पे आना थी रोड पर जाकर पेस्ट इफेक्ट करना, फिर से नेक्स्ट फोटो पर टाइप कर देना, इफेक्ट पे आना थी रोड पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना, मतलब फिर से आपको यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा, तो इस फोटो को यहाँ से छोड़ देना है। फिर से आपको तीन छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा, तो इस तीन छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो में आपको इफेक्ट टू ऐड करना है, मतलब फिर से आपको क्या करना होगा, फिर आपको बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो देगा, फिर से इसको छोड़ देना है, फिर तीन छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको वीडियो को एड तक जितने से छोटे छोटे ड्यूरेशन वाला फोटो है सारी फोटो में आपको इफेक्ट टू ऐड करना है। फिर आपको यहाँ से बैक जाके थ्री को आपको कॉपी करना होगा, तो फोटो पे टाइप करना, इफेक्ट पे आना थ्री पे जाके कॉपी इफेक्ट कर लेना, तो फिर आपको यहाँ से बीटमार्क पे जाना होगा, तो ये इफेक्ट आपको कौन सी फोटो में ऐड करना है, तो फर्स्ट जो फोटो है इसको छोड़ देना है, फिर आपको यहाँ से 7:19 सेकंड से लेके बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो जितने सारी है सारी फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड करना है। तो कुछ इस बार से आपको यहाँ पर फोटो पे टैप कर देना, इफेक्ट पे आना है थ्रीट पे जाके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना, फिर आपको यहाँ पर आगे देखना होगा कहाँ बड़ा ड्यूरेशन वाला फोटो है, तो इस फोटो में आपको ये इफेक्ट ऐड कर देना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर इस फोटो में आपको कुछ इस बार से ऐड कर देना है, फिर आपको यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे जाना होगा और एक बॉर्डर PNG का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, बटन आप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको पास यहाँ पर ऐड करने पर आपको वीडियो रेडी हो जाएगा। फिर आपको वापस यहाँ आइकन पे क्लिक करो, वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और गाइस आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो।